आज मैं बनाऊंगी जो सब्जियां सर्दियों में चार चांद लगा देती हैं, खाने में आलू गोभी की मटर की मिला के जो जबरदस्त टेस्टी सब्जी बना के मैं दिखाऊंगी आपको। आपके घर में ही इजी ये सब्जियां सारी मिल जाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ठंडी में ये जरूर से इस मौसम में जरूर बनाइए, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, दुगना आपको टेस्ट मिलेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वीविका किचन 321 में आप लोगों का स्वागत है। और ये है गोभी, मैंने 200 ग्राम गोभी लिया है और मैंने छोटे छोटे ऐसे उसके टुकड़े कर लिए। आप चाहे तो खड़ा गोभी का पूरा फूल ही डाल दे दीजिए पानी में, और पानी में डालने के बाद आप और इसमें थोड़ा सा आप विनीगर, वाइट वाला विनीगर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप इसमें जो भी गोभी में मतलब कीड़े लगे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। आप इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे रख दीजिए, या फिर अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप गर्म पानी इसमें डाल के 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए, तो पूरे जितने कीड़े रहेंगे वो मर जाएंगे और बाहर ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे। तो आपके पास जैसे अच्छा लगे आपको ऐसे कर लीजिए। अभी चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने गैस को स्टार्ट कर लिया और मैंने कढ़ाई में मैंने राई का तेल लिया है। राई के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आती है सब्जी की। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अभी मैंने इसमें दो आलू ले लिए हैं, इसको मैंने थोड़ा पतले पतले लंबे में काट लिया है। अभी मैं इसमें डाल के इसको फ्राई करूँगी और आलू डालते टाइम थोड़ा सा आप सावधानी करके डालें ताकि छींटे आपके ऊपर ना आए, क्योंकि इसमें आलू क्या है धोया रहता है, इसके लिए थोड़ा सा पानी तो हल्का फुल्का रहेगा ही, तो तेल क्या है ऊपर छिटकने लगते हैं। आप इसको अब इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई कर लीजिए। अभी देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, इसको पूरा ना पकाएं, हल्का सा कच्चा रहने दें, तो हल्का सा सिर्फ ये बाकी है और ये आलू पक चुका है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी तेल में मैं इसमें मैंने आलू को जिसमें तला था उसी तेल में मैं ये गोभी को मैंने छान लिया है, लेकिन इसमें हल्का पानी तो होगा ही, इसलिए आप आराम से डालिएगा ठीक है, आपके ऊपर ना आए। अब आप इसको भी हल्के आराम आराम से इसको भी आप हल्का सा ब्राउन है इसको तब तक आप इसको तलें। अभी ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, हल्का सा कच्चा है और ये हो गया है। अभी मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। अभी मैंने ये दो टमाटर लिए हैं, अब इसको मैं घिस लेती हूँ। आप चाहे तो पीस के डालना चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, मैं इसे घिस के आपको दिखा रही हूँ। घिसने से आपका जो ये ऊपर का छिलका है वो निकल जाएगा। अगर आपको पीसना झंझट लग रहा है तो आप इस तरह से आप घिस के भी फटाक से पेस्ट तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई के उसी तेल में मैंने सब्जी भूनने जा रही हूँ। अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप छानने टाइम ज़्यादा तेल यूज कर रहे हैं तो। अभी मेरा तेल गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें आधा चम्मच राई डाल रही हूँ। जैसे ही राई चटकने लगे इसमें आप आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए और एक चुटकी हींग और इसमें अदरक और लहसुन
जैसे ही गर्म हो गया इसमें मैंने अदरक एक इंच और दो हरी मिर्च कुछ कुचा के मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसमें मैं घिसा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से दो मिनट चला लीजिए। अब इसी में एक चुटकी भर आप नमक डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से टमाटर सॉफ्ट होके एकदम भून जाएगा, गल जाएगा पूरा बराबर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें तीखा वाला भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और इसमें मैंने दो मिर्च हरी कुछ कुचा के अदरक के साथ डाला है। आप जितना स्वाद में तीखा का खाते हैं उतना आप हरी मिर्च डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। इसमें मैं एक चम्मच और धनिया पाउडर, मैं दो चम्मच इसमें धनिया पाउडर यूज की हूँ। अभी मैंने इसमें एक कटोरी में मैंने 5 चम्मच दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें मैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी। अमचूर पाउडर डालने से क्या होगा कि आपकी दही फटेगी नहीं, सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको आप बराबर चलाते जाइए ताकि बिल्कुल एक दही फटने ना पाए, अच्छे से आप इसको चलाते रहिए। आप इसमें दही तब डालें जब टमाटर भून के यहाँ से तेल कढ़ाई में आपके दिखने लगे, फिर आप इसमें दही फेंट के डालिएगा ताकि आपके मसाले अच्छे से भुने हों। अब आप इसको 1-2 मिनट अच्छे से, अगर आप ताज़े मटर नहीं है आपके पास तो फ्रिज में से आप फ्रोजन मटर निकाल के आप उसको हल्का पानी में थोड़ा सा भिगो दीजिए, फिर उसके बाद आप यूज करेंगे तो उसका रंगत अच्छा निखर के आएगा। और अगर ताज़ी मटर यूज कर रहे हैं तो आप उसको उबाल के इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दही और मटर को अच्छे से आप 2 मिनट इसको अच्छे से आप भून लीजिए। फिर इसमें आप आपने गोभी और आलू को जो छाना हुआ था, फ्राई किया हुआ, आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वैसे ये आधा पका हुआ है, इसको बस थोड़ा ही पकाना है आपको, ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये सूखी ही सब्ज़ी बनके रेडी होती है और ये ठंडी के महीने में बनती है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इस महीने में आप कोई भी ठंडी के महीने में आप सब्ज़ी, मटर, आलू और नई आलू आ जाती है और ये गोभी का सीजन चलता है और मटर, हरे मटर इस टाइम पे सस्ते भी मिलते हैं। अगर आप यही सब्जियां आप अगर गर्मियों में बनाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन ठंडी के महीने में आलू और गोभी, मटर या फिर पालक वालक, इन सब सब्जियों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप जैसे भी थोड़ा सा मसाले डालें या ना डालें, लेकिन उसका टेस्ट ही अलग आता है। इस मौसम में आप ज़रूर से हरी सब्जियाँ या फिर आलू मटर की सब्जियाँ ज़रूर बनाएं, इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। आप ज़रूर से इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। एक स्वाद अनुसार आप आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा जितना बनाइएगा। अब इसमें मैं 2 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अभी मैं इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी लिया है, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, रोस्ट करके पाउडर बना के इसको हाथों से क्रश करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इससे बहुत अच्छा खुशबू आती है। कसूरी मेथी आप सब्जियों में डालें या दाल में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट उभर के आता है। आप डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अब आप इसको 1 मिनट अच्छे से ऐसे चला लीजिए। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि हमने आलू को थोड़ा सा कच्चा रखा था और गोभी को हल्का सा। इससे क्या होगा कि मसाले और गोभी, आलू, मटर सब इसमें अच्छे से मसाले एकदम एक दूसरे में मिल जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट सब्जी में बढ़ जाएगा। अब इसमें हल्का सा पानी आप डालिए, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस इसको हल्का से मिला लीजिए। अब इसको ढक के 2 मिनट पका लीजिए और आपकी सब्जी फिर रेडी हो जाएगी। अभी मैं इसको 2 मिनट, अब इसमें आप 1 टमाटर ले लीजिए, अब इस तरह आप काट लीजिए। इसमें बीच में जो बीज है आप उसको निकाल दीजिए,
इस तरह से निकाल के आप सिर्फ इसका क्यूब इस तरह से आप इतने बड़े बड़े इस तरह से आप काट लीजिए और हरी मिर्च ले लीजिए खड़ा। अब इस तरह से आप उसको ऐसे चीरा लगा के ऐसे कर लीजिए। आप सब्जी को कवर करने से पहले आप इसमें चीरा लगा हुआ मिर्चा आप इस तरह से डाल दीजिए और ये टमाटर, ये टमाटर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जियों में, एक अलग सा फ्लेवर खाने में लगेगा आपको। इस तरह से आप रख दीजिए। अब आप इसको कवर कर दीजिए, आप इसको आप ऐसे कवर कर दीजिए। अब इसको 2 मिनट सिर्फ आप पका लीजिए। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको मैं 1 मिनट तक मैंने कवर करके रखा था, अभी मैंने इसको ओपन की हूँ। अब इसको आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए। अभी मेरी सब्जी बनके एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने प्लेटिंग कर लिया है और इसको गार्निश थोड़ा सा हल्का सा हरी धनिया डाल दीजिए काट के, और मेरी सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। आप इसको चावल या रोटी पराठा किसी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप ज़रूर बनाइए, अभी देखिए, अभी बनाइए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये सब्जी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं अगली रेसिपी इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और इस ठंड के महीने में आप आलू गोभी मटर की सब्जी ज़रूर बनाएं। और चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज बना है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं और फॉलो कीजिएगा प्लीज़। और मैं और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है संगीता पाल करके है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। मैं अगली रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ कोई नई सी रेसिपी लेके टेस्टी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।